नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत निर्भया फंड से केंद्र प्रवर्तित सेफ सिटी कार्यक्रम को वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-20 की अवधि में मध्य प्रदेश के 6 शहर में संचालित करने की मंजूरी दी गई। इसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, छतरपुर और जबलपुर शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्व सहायता समूहों को उच्च स्तरीय लघु उद्यमिता विकास के लिए प्रदेश में पायलट रूप में राज्य के 6 आदिवासी विकासखंड में राज्य प्रारंभिक ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी गई। 6 विकासखंड में जिला अलीराजपुर के उदयगढ़ और जोबट, जिलाधार के डही और कुक्षी और जिला झाबुआ के झाबुआ और राणापुर शामिल हैं। मंत्रिपरिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग की शालाओं में नियोजित अतिथि शिक्षकों के मानदेय में लगभग 2 गुनी वृद्धि करने का निर्णय लिया। अतिथि शिक्षक वर्ग 1 का मासिक मानदेय 4500 से बढ़ाकर अधिकतम मासिक मानदेय 9000, वर्ग 2 का 3500 से 7000 और वर्ग 3 का 2500 से बढ़ाकर 5000 अधिकतम मासिक मानदेय किया गया है। राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कर विश्वविद्यालय के नवीन पाठ्यक्रम का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि नए भारत का तेजी से निर्माण हो रहा है। नए भारत में कोई नौकर नहीं होगा, हर हाथ का अपना हुनर होगा। राज्यपाल श्री लालजी टंडन से जनसंपर्क मंत्री श्री पीसी शर्मा ने आज राजभवन में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर प्रमुख सचिव जनसंपर्क श्री संजय कुमार शुक्ला भी मौजूद थे। प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आज नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने मंत्रीगण के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया। संस्कृति, चिकित्सा शिक्षा, आयुष मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधु, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हर्ष यादव और ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने प्रेजेंटेशन देखने के बाद जल विद्युत परियोजनाओं के अमल के लिए लागू प्रावधानों पर संशोधन पर चर्चा की। बैठक में मध्य प्रदेश में लघु जल आधारित विद्युत परियोजना क्रियान्वयन नीति 2011 पर भी विचार विमर्श किया गया। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने आज खाद्य एवं औषधि प्रशासन के इंस्पेक्टर्स एवं जिलाधिकारियों की बैठक में कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में अधिकारी पारदर्शिता रखें। मंत्री श्री सिलावट ने मैदानी अधिकारियों की समस्याएं सुनी और सुझाव भी दिए। पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा आयोजित कार्यशाला एक्सपीरियंस शेयरिंग बाय लीडर्स ऑफ कम्युनिटी होम स्टे इन इंडिया के 2 दिवसीय आयोजन में शामिल हुए। लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह ने मंत्रालय में भोपाल इंदौर मेट्रो के निर्माण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भोपाल इंदौर मेट्रो में जनता की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लोक निर्माण विभाग मेट्रो निर्माण के दौरान सड़कों और फ्लाईओवर की व्यवस्था में नगरीय प्रशासन विभाग के साथ बेहतर समन्वय रखेगा। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक और प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनी के अध्यक्ष श्री नितेश व्यास ने कहा कि किसानों को 10 घंटे और आबादी एवं व्यवसाय के लिए 24 घंटे बिजली देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री व्यास ने आज जबलपुर में शक्ति भवन में बिजली अभियंताओं की बैठक में बिजली प्रदाय की समीक्षा की। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।